अस्सलाम वालेकुम, कैसे फैमिली मेम्बर्स? ठीक ठाक हैं? आज मैं मेथी दाने के बारे में आपको बताती हूँ। मेथी दाना कितना ज़्यादा आपकी सेहत के लिए अच्छा है। रसूलुल्लाह की इसके मुतालिक हदीस भी है कि अगर इसकी कदर, इसकी वैल्यू अगर किसी को पता चल जाती है कि मेथी दाना क्या चीज़ है, तो वो लोग जो हैं इसको सोने के भाव ख़रीदें। तो इसको क्या करना है, मेथी दाने को आप लीजिए, मेथी दाने को, और इसको आप पीस कर बारीक एक जार में बंद कर लें, महफूज कर लीजिए। तो मैंने ये मेथी दाना और ये कलौंजी दोनों को, इसलिए कि दोनों के बारे में रसूलुल्लाह की हदीस मौजूद है कि ये हर बीमारी के लिए शिफा है, दोनों चीज़ें ना। तो मैंने मेथी दाने को और कलौंजी को दोनों बारीक पीस के रखा हुआ है, थोड़ा बारीक थोड़ा मोटा पीस के रखा हुआ है। तो इसको मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने हर खाने में आधा चम्मच इस्तेमाल करती हूँ। इसके फ़ायदे अगर आप लोग सुन लें तो मेरे ख्याल में मेरी वीडियो बहुत छोटी पड़ जाएगी इस चीज़ के लिए। तो इसके फ़ायदे सिर्फ यही हैं कि रसूलुल्लाह की बस हदीस मौजूद है और रसूलुल्लाह ने फरमाया है इसको, आप इसको इसकी बारे में बताया है कि आप यानी इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी हर बीमारी का इलाज है, कलौंजी और मेथी दाना। तो इसको आप आटा गूंथते वक्त आधे चम्मच आप इसका मेथी दाने का पाउडर डाल लीजिए, ये मेथी दाना और कलौंजी का। अब यकीन करें, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला बस सबको अपने हिस्बो मान में रखे। इसको हम जब करते हैं इस्तेमाल तो बहुत कम बीमार पड़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बीमारी तो आ जानी चीज़ें हो भी जाते हैं बीमार जब वायरल वगैरह आता है, लेकिन वैसे जो हर वक्त बीमारियाँ वगैरह चल रही होती हैं वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो बीमारियाँ नहीं होती हैं। तो अल्लाह ताला ने वाकई ही मेथी दाना कलौंजी में शिफा रखी है। ये मैंने बहुत बारीक मैंने पीस के रखी हुई, बारीक नहीं पीसी ज़्यादा मैंने, इसलिए कि मैं इसको सम टाइम जो है साबुत भी डालना पसंद करती हूँ, खाने में टेस्ट भी अच्छा लगता है दोनों का। और सम टाइम मैं बिल्कुल साबुत भी रखती हूँ कि वो, ताकि मैं भिगो के बालों पे भी लगा लूँ, मेरे बालों वालों के लिए भी अच्छी होती है ये बहुत ज़्यादा। मेथी दाने के बीज बालों के लिए बहुत अच्छे हैं, वैसे तो दोनों चीज़ अच्छी हैं। भिगो के मैं इसका पानी बना के रखती हूँ, मैंने बॉटल में इसका पानी बना के रखा हुआ है और मैं इसको पीती रहती हूँ वक्फे वक्फे से। ये मेरी बॉटल है, इसके अंदर ये भीगा हुआ है मेथी दाना, और इधर के आपको नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर मैंने थोड़े से ये अपने इसके बीज भी डाले हैं, ये धनिया साबुत धनिया के बीज भी डाले हैं, कि साबुत धनिया जो है थायराइड, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम्स है, थायराइड भी मेरा था कि ठीक हो जाए। सब चीज़ों के हर बीमारी का ये इलाज है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छी नेमत दी हुई है। और किसी बच्चे को, किसी को भी नहीं पता चलता इसका टेस्ट क्या आ रहा है। आटे में आधा चम्मच अगर आप ये पीस को डालते हैं तो इसके टेस्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आटे के टेस्ट पर, रोटी वगैरह पर। और ये सोच के डालें कि ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, तो इंशाल्लाह ताला आपकी बीमारियां, आपकी स्किन, आप इसको ये भिगो के पानी इसका चेहरे पे भी लगा सकते हैं, हाथों पे भी लगा सकते हैं, और पैरों पे भी लगा सकते हैं, गर्दन पे भी लगा सकते हैं इसको भिगो के, इसके पानी को आप। इसके बहुत फ़वाद हैं, बहुत फ़वाद हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसको आप, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। थोड़ा सा गर्मियों में होता है, गर्मियों में थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन गर्मियों में क्वांटिटी आप कम कर लीजिए, ज़्यादा जब गर्मी पड़ रही हो तो आप कम डाल लें, लेकिन ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसके, कोई मतलब खाने में भी कोई नुकसान नहीं है, अगर खा भी लें ना भी करें तो ठीक है। तो इसको आप बालों पर लगाइए, भिगो कर रात को रख दीजिए, और सुबह इसका लेप जो है अपने बालों पर लगा लें और आधे घंटे बाद धो लें। आप अपने बालों को देखेंगे, आपके बाल कितने सिल्की और कितनी शाइनिंग माशाल्लाह से होंगे, आपके हेयर फॉल हो रहा है तो वो भी इससे ख़त्म होगा, डैंड्रफ आपकी मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी, स्किन, कोई भी प्रॉब्लम्स आपके सर पे हुए हुए हों, दाने हों, कुछ भी हो, कोई ऐसी वजूहत हो जिससे आपका स्किन पे कोई मतलब दाने हो गए हों या डैंडर जम गई हो या कुछ इस तरह की बात हो गई हो, तो इसको आप धो लें और सादे पानी से धोइए। शैम्पू कंडीशनर आप तकरीबन उस दिन ना करें, से एक दिन बाद कर लीजिए, ताकि इसका रूट्स पे थोड़ा सा असर होता रहे। आपको पता है कलौंजी का तेल भी मिलता है, तो तेल का काम करता है, ये हल्का हल्का सिल्की बालों को कर देता है। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मैं आपको ऐसी और भी मालूमात की वीडियोस आपको देती रहूँगी इंशाल्लाह, मालूमात जिससे आपको बहुत फ़ायदे होंगे। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।